हाय दोस्तों, सिंगम अगेन का एक्चुअली सेकंड जो ये वीडियो था, एपिसोड था, इतने जल्दी मुझे बनाना नहीं था, ऑनेस्टली बोल रहा हूँ। लेकिन जो मेरे प्रेडिक्शन है यार, वो सही होने लगे, तो मुझे जो डर है अब वही। देखो यार, मैं एक बात बोल रहा हूँ आपको। देखो, सिंगम रोहित शेट्टी का भी सीरियस नहीं था रे भाई, वो पैसों के पीछे ही वो सीरियस था, सिंपल बात है। देखो, मैं मानता हूँ कोई भी डायरेक्टर, कोई भी प्रोड्यूसर का यही काम है पैसा कमाना। ऑब्वियसली तुम पैसे के लिए काम करते हो, नो डाउट, पर समहाउ कुछ इमोशंस तो होते हैं ना मेरे भाई। अजय देवगन ने अगर पूछा नहीं होता, वो ऑलरेडी सुपरस्टार था जब रोहित शेट्टी की ज़मीन वगैरह हो या फिर गोलमाल हो। एक बड़ा एक्टर कब, शाहरुख ने कब हेल्प की रोहित शेट्टी को, कब, जब वो बड़ा बन गया तब, तब उसने वो चेन्नई एक्सप्रेस, दिलवाले वो साइन की। इवन एक कोई तो मूवी थी, शाहरुख ने वो मना कर दिया, हालांकि वो बनने वाली थी, चेन्नई एक्सप्रेस का पार्ट टू था वो। सेम नाम नहीं था कुछ, चेन्नई एक्सप्रेस का पार्ट टू नहीं था, कोई तो एक्सप्रेस करके आने वाली थी मूवी, वो तो शाहरुख सर ने की नहीं बाद में उसके साथ। कहने का मतलब ये है कि एक ही आदमी ने इसको हमेशा बचाया जब ये फ्लॉप होता है या अजय कोई पूछता है, नो डाउट। और यहाँ पर मैं अजय की बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, मैं एक लॉजिकल बात है कि सिंगम 2011 किसने चढ़ाई, एक वो भी एक रीमेक था, सूर्या का रीमेक था वो फिल्म, सूर्या की मूवी थी सिंगम, उसका वो हूबहू रीमेक था, चलो मानता हूँ, पर चली थी ना, एकदम ब्लॉकबस्टर गई थी ना 2011 में। तो बाद में 2-3 साल बाद उसने लाई सिंगम रिटर्न्स, हुआ ये लेकिन 2013 में, लेकिन उसने सिंगम रिटर्न्स से पहले एक मूवी लाई, वो थी ये चेन्नई एक्सप्रेस। और उस टाइम पे चेन्नई एक्सप्रेस ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे, आई मीन टू से गजनी, थ्री इडियट्स, उनके भी सारे रिकॉर्ड, जो भी आमिर खान के सारे फिल्म्स थे उस टाइम पे। शाहरुख बन गया सबसे बड़ा कलेक्शन वाला सुपरस्टार, वो अभी भी है, पठान उसने किया है, पर उस टाइम पे याद करो 200 करोड़ भारत में जाना, वो 228 करोड़ कुछ गई थी, वर्ल्ड वाइड 426 या 430 करोड़ गई थी उस टाइम पे, वो हाईएस्ट बन गई थी। तो रोहित शेट्टी के मन में भाई थोड़ा सा तो पैसे को लेके एक कहते हैं ना कि एक आ गया मन में लालच कि भाई शाहरुख ने तो मुझे वैसी फिल्म दी है भाई जो अजय ने नहीं दी। जो कलेक्शन के मामले में अगर सिंगम रिटर्न्स देखो, उसने बेमन से बनाई थी, कॉमेडियंस को लगा दिया उसने विलन बना के। अरे एक तगड़ा विलन भी लाते ना उसमें, कोई ज़रूरत नहीं थी कॉमेडियंस को ला के अजय के सामने, एक तुम साउथ का विलन या फिर इवन संजय दत्त वगैरह टाइप का भी विलन ला देते ना, तो अजय को महंगा पड़ता था मारना उसको बहुत। वो भी अजय के हाल कर सकता था उस मूवी में, ऐसा भी बना सकते थे, लेकिन नहीं, इसको मजाक में बनानी थी, मजाक से ज़्यादा जल्दी जल्दी में बनानी थी, बन गई मूवी ने, एवरेज नहीं सुपर हिट गई थी, लेकिन कलेक्शन एज कम्पेयर टू चेन्नई एक्सप्रेस कुछ नहीं आया था। तो इसको एक बाद में एक समझ में आ गया कि भाई हाँ, दिलवाले का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन भाई तगड़ा आया था, मैं सच बोल रहा हूँ, 370 समथिंग कुछ हुआ था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। बाजीराव मस्तानी का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 350 था भारत में, लेकिन बाजीराव मस्तानी ने 180 समथिंग मारा था और दिलवाले ने कुछ 140-142 मारा था। हाँ, तो वहाँ पे भारत में जीत गई थी बाजीराव मस्तानी, नो डाउट। हाँ, पर कहने का मतलब ये है कि उसको ये समझ में आ गया कि भाई फिर भी अगर शाहरुख की मूवी अच्छी नहीं चलती तो भी वो तो 140-150 दे रहे हैं, तो क्यों ना मैं इस बार अब रणवीर सिंह के साथ जाऊँ। वो उस टाइम पर रणवीर सिंह को उसने अप्रोच किया था सिम्बा, और रीमेक्स चलते थे उस टाइम का दौर, देखो वो टेम्पर आई थिंक उसका रीमेक था, वो चलते थे, जूनियर एनटीआर की फिल्म थी, वो रीमेक चलते थे, उसको पता था उस टाइम पे कि रणवीर का सिक्का चलेगा, लेकिन उसको एक डाउट था कि क्या रणवीर अट्रैक्ट कर पाएगा। तो उसने जोरों शोरों से ऐड की कि सिम्बा में आएगा सिंगम, सिंगम के बाद एंड में आएगा सूर्यवंशी, एक कैमियो होगा अक्षय कुमार का, सरप्राइज भी उसने रख दिया। और उसने जब सिम्बा सुपर हिट ब्लॉकबस्टर कर दी ना, हालांकि लोगों को पता है, दुनिया को पता है, मुझे पता है, अक्षय को भी पता है, अजय को भी पता है, इवन रणवीर को भी पता है कि उसके वजह से नहीं हुआ है वो जो एंड में कैमियोज आए थे, अक्का पब्लिक को पता है अब कौन आने वाला है, वो जो रणवीर के मुंह से डायलॉग और बाद में जब सिंगम की एंट्री, वो हो या सूर्यवंशी हो, इन दोनों के वजह से सिम्बा लोगों ने बार बार देखी, वरना सिर्फ रणवीर को और सोनू सूद को सामने रख के देखो सिम्बा क्या थी मेरे भाई। एंड का फाइट में अगर ये दोनों के कैमियोज निकाल ही दो तुम लोग, अरे आधा कलेक्शन तो ख़त्म है वहीं पे, आधा नहीं बोल रहा हूँ लेकिन बहुत से भाई। पर क्रेडिट क्या हुआ कि रणवीर सिंह ने सबसे ज़्यादा
पैसे कमाए, ना सिंघम ने कमाए, इवन अब सूर्यवंशी बाद में आई, उसने जल्दी जल्दबाजी में वो कोविड के बाद तुरंत रिलीज कर दी। वो भारत में गई थी 196 करोड़ मेरे अकॉर्डिंग, और वर्ल्ड वाइड गई थी 292 करोड़। 180 करोड़ में बनी थी बाय द वे, बहुत महंगी मूवी थी, उतना भी कोई बहुत तगड़ा नहीं किया था, लेकिन 50% ऑक्यूपेंसी थी। हाँ वो मूवी भाई तगड़ा कर लेते, अक्षय कुमार की अगर मैं बात करूँ ना, पहली 250, 260, 270 भारत में जाती, वो इवन 300 भी जाती, क्योंकि 50% ऑक्यूपेंसी थी मुंबई महाराष्ट्र में, हाँ और बहुत सी जगह पे। तो सूर्यवंशी अच्छा भी करती, पर वो भी तो भी फिर भी सुपर हिट का टैग लेके गई। तो बाद में रोहित शेट्टी ने क्या दिमाग लगाया कि भाई उसको एक समझ में आया कि भाई अक्षय और रणवीर तो मुझे बहुत ज़्यादा कलेक्शन दे रहे हैं, अब 50% ऑक्यूपेंसी के साथ सूर्यवंशी भी अच्छी करी है, तो क्यों ना भाई इनको ही आगे लेके चले। पहले उसके मन में ये था, तो बाद में बंदे ने इनको प्रेफरेंस देना शुरू किया, पर कोविड के 2-3 साल वेस्ट हो गए। तो रोहित शेट्टी बाद में कुछ, अब मराठी फिल्म उसने एक प्रोड्यूस की, अभी उसने लाया सर्कस, बोल रहा था सर्कस विल बी द बिगेस्ट कॉमेडी फिल्म, उसने गोलमाल से तक कंपेयर कर दी थी और बहुत से कैमियोज भर दिए उसमें। और बाद में डिजास्टर जाने के बाद वापस अब अजय देवगन के पास आया है, उसकी एक आदत है जब भी वो डिजास्टर जाता है वो अजय देवगन के पास आता है। जब दिलवाले को उतना रिस्पांस उसने जो एक्सपेक्ट किया था उतना नहीं मिला, उसको लगा था वो भी चेन्नई एक्सप्रेस जैसा कर देगा भारत में कलेक्शन, नहीं कर पाया। तो उसको बाद में उसने सिम्बा बनाई, जिसमें उसने अजय देवगन के को रिक्वेस्ट की कि भाई कैमियो कर लो, और उसने कैमियो किया, ब्लॉकबस्टर गया। बाद में सर्कस आई, सर्कस डिजास्टर गई, और बाद में सर्कस डिजास्टर जाने के बाद बंदे ने सर्कस के प्रमोशन के वक्त बोल दिया कि अब मैं सिंघम पे काम करूँगा। जो सिंघम इस आदमी ने 10 साल के लिए बंद कर दी थी, सिंघम ये लाने ही नहीं वाला था, इसका प्लान था क्योंकि इसको पैसा कमाना था, उसको भरोसा नहीं अजय देवगन के स्टारडम पे। तो और उसके मूवी स्लो स्टार्टर रहते हैं, रोहित शेट्टी को कमाना था भाई पहले ही दिन पे 40-50 करोड़ वाला कलेक्शन, वो नहीं हो पाया, मतलब उसको लगता है कि अजय नहीं कर पाएगा उतना वाला। तो भाई अब ये बंदा का जो प्लान है मैं आपको बता देता हूँ, यह पार्ट टू वाला वीडियो है सिंघम अगेन का। मैंने जो सुना है ये जो विकी कौशल है आगे चल के इसको ये सिंघम बनाएगा, आइदर क्योंकि सिंघम अगेन में इसको जो इसने रखा है ना, आइदर सिंघम नहीं रखे बनाएगा, नाम सिंघम नहीं होगा शायद, लेकिन अजय का ये शायद सिंघम 3 लास्ट होगा। उसके बाद विकी कौशल का कोई कैरेक्टर अगर वो पॉजिटिव दिखाते तो उसको ही वो आगे करके वो सीनियर ऑफिसर बना देंगे, मतलब सिंघम सीरीज इसके नाम पे। हालांकि उसका नाम सिंघम नहीं होगा, कुछ अलग होगा, लेकिन सिंघम अजय कैंसल होके ये आगे जाएगा, विकी कौशल आगे बढ़ाएगा यूनिवर्स को। बाद में अक्षय कुमार का आप बोलोगे फिर क्या हुआ, वो सिद्धार्थ मल्होत्रा वाला जो वेब सीरीज ला रहा है ना ये बंदा रोहित शेट्टी, वही आगे चल के अक्षय कुमार का सूर्यवंशी को हटा के वो अक्षय कुमार की जगह डाल लेगा सिद्धार्थ को, क्योंकि ब्रदर्स मूवी याद है ना आपको, सिद्धार्थ अक्षय करण जौहर की फिल्म। क्या पता अक्षय और रोहित शेट्टी और करण जौहर की दोस्ती, उन्होंने अप्रोच किया होगा कि ऐसा ही करो आगे चल के, अक्षय के भी अच्छे संबंध है करण जौहर से और सिद्धार्थ के तो है ही, तो सिद्धार्थ आगे चल के अक्षय की जगह लेगा। लेकिन रणवीर सिंह तो यंग हीरो है तो उसको क्यों निकालेंगे नहीं निकालेंगे। कहने का मतलब ये है जो सिंघम मेन है, बाद में सूर्यवंशी मेन है और सिम्बा मेन है, आगे चल के सिम्बा बढ़ेगा सबसे बड़ा, जो अजय देवगन वाला कैरेक्टर टाइप का वो सिम्बा बनेगा सबसे बड़ा, थोड़ा सा विकी कौशल और सिद्धार्थ मल्होत्रा ऐसा होगा वो इनका यूनिवर्स, ये मैंने प्लान सुना है। अब ये कितना सही है कितना नहीं ये वक्त बताएगा, लेकिन अगर ये गलत होता ना मेरा प्लान, मतलब मेरा मैं जो कह रहा हूँ जो प्रिडिक्शन अगर मेरा गलत होता मान के चलो, तो फिर विकी कौशल क्यों लिया भाई, उसका कैमियो से क्या मतलब है, उसका जो रोल है ना आगे चल के इंट्रोड्यूस कर देंगे, आगे चल के बड़ा बनाएंगे उसको, देख लेना आजकल यही आदत है। और ये बोल रहा था ना कि मैं गोलमाल इसलिए नहीं बना रहा हूँ क्योंकि मुझे कॉप यूनिवर्स आगे बढ़ाना है, कॉप यूनिवर्स का मतलब उसको सिंघम सिम्बा सूर्यवंशी नहीं बनाने थे, ये अब ये यंग एक्टर्स के साथ ये बनाने वाला है यूनिवर्स, ये है भाई अपडेट। अब ये कितना सही कितना नहीं, सिंघम 4 में कौन होगा, क्या विकी कौशल सिंघम 4 होगा, ये देखो वो जीनियस भी है वैसे रोहित शेट्टी, वो कभी भी ये गलती नहीं करेगा कि सिंघम का नाम रख के वो विकी कौशल को सिंघम 4 बनाएगा, वो पब्लिक की भावनाओं से बहुत दिमाग लगा के वो खेल लेता है, वो विकी कौशल का कैरेक्टर इतना इम्पैक्टफुल डालने का कोशिश करेगा ना सिंघम अगेन में कि लोग उसका लोग उसकी मूवी चाहेंगे। दीपिका तो है ही, उसको तो लेडी सिंघम बनाने वाले है, सुना है, मतलब आइदर वो एक तो वो रणवीर सिंह के साथ जाएगी या फिर लेडी सिंघम का अलग यूनिवर्स होगा। क्या बोलूँ भाई, कुछ नहीं इससे ज़्यादा क्या बोलूँ मैं, नथिंग, आई डोंट हैव एनीथिंग।
टू से नाउ, बट अगर ये होगा ना प्लान उसका, क्या बोलूँ फिर। दैट्स इट, सिंगम अगेन का ये पार्ट टू था और मेरे अकॉर्डिंग ये लास्ट एपिसोड है। इसके बाद हम सिंगम के एपिसोड, अगर कोई अपडेट आएगी तो ही बनाऊंगा, लेकिन सिंगम अगेन एपिसोड नाम नहीं होगा उसका। डायरेक्ट हम बात करेंगे जो है वो है। ये शेयर करो यार मेरे भाई, अगर ये प्रेडिक्शन सही निकला ना, आप मुझे मान लेना भाई, बुरा लग रहा है मुझे भी, पर शेयर करोगे ना प्लीज़, ज़्यादा से ज़्यादा फैलाओ ये न्यूज़, क्योंकि पूरा मैंने सोर्सेस से पढ़ा है भाई, रोहित शेट्टी को पूरा स्टडी कर लिया मैंने, पैसा है उसको इम्पोर्टेंट। टेक केयर।